हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एसके सी टाइम्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस के दोस्तों नंबर सीरीज के बारे में, जो कि सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पिछले एग्जाम से लिए गए प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटेगा। तो चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बी पी सी डी क्यू ई एफ आर, तो वाट के स्थान पे क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप जरूर देखिए। तो ऑप्शंस चार दिया गया है, इस चार ऑप्शंस में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, राइट आंसर है, उसका पता लगाना है कौन सा है। तो आप देख रहे क्वेश्चंस को दोस्तों क्या कहता है कि ए बी सी डी और ई एफ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहां से ए बी सी डी और ई एफ कंटिन्यू है। तो ए बी सी डी ई एफ, तो यहां जो आएगा दोस्तों जी एच हो सकता है, मेरा जी एच हो सकता है। तो जी एच हमारे ऑप्शंस में है, यहाँ भी जी एच है, यहाँ भी जी एच है और यहाँ भी जी एच है। तो तीन तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलेंगे अगला टर्म में क्या कहते हैं दोस्तों, पी के बाद क्यू लिया है और क्यू के बाद आर है ना, तो पी क्यू आर और आर के बाद क्या आ सकता है दोस्तों, एस आ सकता है, यानी कि जी एच एस। तो जी एच एस जिसमें होगा दोस्तों वही मेरा राइट आंसर होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर जो चला जाएगा ए के साथ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी दिक्कत होगी दोस्तों आप कॉमेंट जरूर कर ले ताकि मैं आपको बता सकूँ सही ढंग से और अच्छी तरह से। चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एफ एल पी आई एन एस एल पी भी, तो व्हाट के स्थान पे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लीजिए ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकेंगे। तो देख रहे अपने दोस्तों स्क्रीन पर क्या कहता है, एफ एल पी आई एन एस से किस तरह से संबंधित है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो देख रहे हम लोग क्या है दोस्तों, यहाँ पे एफ होता है सिक्स और ये होता है नाइन, यानी कि एफ में दोस्तों अगर हम तीन जोड़ दे तो हमें नौ प्राप्त हो रहा है और इसी नौ में अगर हम तीन जोड़ रहे हैं तो हमें एल प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी दोस्तों अगर तीन जोड़ते हैं तो एल में अगर तीन जोड़ते हैं तो बारह तीन पंद्रह, यानी कि हमें ओ मिलेगा ना, ओ मिलेगा। तो ओ एक ही में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जाना चाहिए, लेकिन आर वाई होगा कि नहीं होगा वो ट्राई कर लेते हैं हम लोग क्या। तो यहाँ से देख रहे दोस्तों एल, अगर L की बात करते हैं L और N में, ठीक है दोस्तों, L से N तक जाने के लिए तो आप देख रहे हैं कि ये होता है 12 और ये होता है 14, यानी कि प्लस 2 हो रहा है। तो अगला टर्म में भी प्लस 2 होना चाहिए, तो 14 दो 16 होता है यहाँ से, ठीक है। तो अगर P में भी दोस्तों जोड़ दो जोड़ दिया जाएगा तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, P 16 होता है, अगर दो जोड़ दिया जाए दोस्तों तो 18 प्राप्त हो रहा है, यानी कि आर भी सही है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों ये टर्म में चलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। अब P से अगर S चलते हैं, जी दोस्तों P होता है 16 और S होता है 19, तो यानी कि अगर तीन जोड़ दिया तो S प्राप्त हुआ, उसी तरह अगर S में दोस्तों तीन जोड़ दिया तो 19 में अगर तीन जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ से 22 प्राप्त हुआ। और उसी तरह दोस्तों अगर ये 22 में भी तीन जोड़ दिया जाए, 22 में भी तीन जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 25 प्राप्त होगा। और 25 किसका होता है दोस्तों, y का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों, ओ आर वाई, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां भी दिक्कत है दोस्तों आप कॉमेंट जरूर कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लगाएंगे दूसरा मेथड, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा मेथड अगर लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों कि अगर बी में पाँच जोड़ रहा है तो हमें जी प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार दोस्तों अगर जी में पाँच जोड़ रहा है तो हमें एल प्राप्त हो रहा है, और उसी प्रकार दोस्तों एल में अगर पाँच जोड़ दिए तो हमें क्यू प्राप्त हुआ, तो हम क्या क्यू में पाँच नहीं जोड़ सकते हैं। तो जब क्यू में दोस्तों पाँच जोड़ते हैं तो हमें यहाँ से भी प्राप्त होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में देखेंगे दोस्तों कि डी में अगर पाँच जोड़ रहे हैं तो हमें आई प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार आई में अगर पाँच जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एन प्राप्त हो रहा है, और उसी प्रकार दोस्तों एन में अगर पाँच जोड़ते हैं तो हमें एस प्राप्त हो रहा है, और एस में अगर हम पाँच जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो एस में अगर पाँच जोड़ते हैं तो हमें
24 प्राप्त होता है यानी कि x प्राप्त होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भी x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आई है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है दोस्तों, डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, तो व्हाट के स्थान पे क्या होगा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए इसे देखना अनिवार्य बन जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों कि डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, तो वर्ड के स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके आंसर्स बताएं, इसलिए मैं दो बार क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, जब तक मैं दो बार क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आप फटाफट बना के कमेंट करके आंसर्स दे सके। ठीक है, तो क्या कहते हैं दोस्तों डी ई एफ एच आई जे, तो किस तरह से संबंधित है हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों डी ई एफ यानी कि कंटिन्यू है ना डी ई एफ। अब यहाँ से देखिए जी गायब है, जी एच गायब है। अब देखिए डी ई एफ लगातार है यानी कि 4 5 6, तो यहाँ से जी गायब कर दिया 7। एच आई जे यानी कि 8 9 10 है, जे के बाद होता है दोस्तों जे, के एल एम होता है यानी कि के एल गायब है। अब यहाँ से देखिए एम एन ओ, तो यहाँ कहीं ना कहीं गायब क्या होगा, जब यहाँ देखिए एक अक्षर गायब होता है, यहाँ दो अक्षर गायब होता है, तो यहाँ तीन अक्षर गायब होना चाहिए दोस्तों। तो एम एन ओ, तो पी क्यू आर गायब होना चाहिए, पी क्यू आर, और जब तीन अक्षर गायब हो गया तो आर के बाद क्या आता है दोस्तों, तो एस टी यू आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हमारा आंसर चला जाएगा। फिर से हम लोग देख लेंगे दोस्तों, अगर दिक्कत है तो इसे समझ लेंगे एक बार फिर से। क्या कहता है कि डी एफ ई कंटिन्यू है, यहाँ से 4 5 6 दे दिया है। अब एफ के बाद जंप कर गया एच, यानी कि 7 जी छोड़ के चला है। अब एच आई जे सेम है, कंटिन्यू है, और यहाँ से दो अंक गायब कर लिया है के एल। तो जब यहाँ एक अंक गायब हो रहा है, यहाँ भी दो अंक गायब हो रहा है, तो अगला टर्म में क्या दोस्तों, तीन अंक को जंप कर जाना है, तो हमें फिर आगे का स्टेप मिलता है एस टी यू, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी के साथ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये नंबर सीरीज का रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप इसे लास्ट तक जरूर देख लीजिए, और अच्छी लग रही है तो लाइक बार बार मैं बोल रहा हूँ, लाइक करते जाइए। ठीक है, आपके एक लाइक करने से और भी आपके मित्रों को लाभ मिल सकता है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि डब्ल्यू बी पी ओ आई एच बी ए, तो व्हाट के स्थान पे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, डब्ल्यू बी पी ओ आई एच बी ए, तो व्हाट के स्थान पे क्या होगा। चार ऑप्शंस दिया गया, चार ऑप्शंस में दोस्तों फटाफट आप कॉमेंट करके आंसर्स बता सकते हैं। क्या किया गया है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ से डब्ल्यू और P की अगर हम संबंध करते हैं दोस्तों, तो डब्ल्यू पी में आप देख रहे हैं यहां से क्या किया गया, डब्ल्यू से P अगर चलते हैं जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस। कहता है डब्ल्यू भी पी ओ आई एच बी ए, तो वाट के स्थान पे क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे गए प्रश्न है, तो क्या होगा यहाँ से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों। डब्ल्यू को अगर हम पी से संबंधित करते हैं तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू का मान कितना होता है दोस्तों, तो टी यू भी डब्ल्यू, यानी कि कितना होता है 20 21 22 23 होता है ना। तो 23 में दोस्तों अगर -7 कर लिया जाए तो यहाँ से हमें 16 प्राप्त हो रहा है, यानी कि पी के पास, यानी कि -7 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर पी में -7 कर लिया जाए तो कहाँ क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें आई मिल रहा है, और फिर इसी आई में -7 कर लिया जाए तो हमें बी प्राप्त हो रहा है, यानी कि 9 में 7 घटा लेंगे तो 2 प्राप्त हो रहा है, बी प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर ये बी में -7 कर लिया जाए तो अल्फ़ाबेट का अगला टर्म जो मिलेगा हमें, कौन सा टर्म्स मिलेगा दोस्तों, यू मिलेगा। ठीक है, 7 माइनस करने का मतलब क्या, 2 में 7 माइनस नहीं करना है, 7 टर्म पीछे चलना है। तो अगर 7 टर्म पीछे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको, ए हो जाएगा, जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो 7 टर्म पीछे चलना था ना, तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों, 7 टर्म पीछे जब चलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, भी प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त होगा दोस्तों,
सात टर्म करना है ना, एक दो तीन चार पाँच छः टर्म हुआ, यानी कि भी नहीं दोस्तों यू प्राप्त होगा, सात टर्म करना है ना। आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पे फटाफट, यू बी है, बी के सात टर्म माइनस करना है, तो एक दो तीन चार पाँच छः और सातवां टर्म में दोस्तों हमें यू प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ यू हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों इन दोनों में संबंध क्या है। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से कि डब्लू का होता है 23 और भी होता है 22, पी होता है 16, ओ होता है 15, यानी कि पहले बड़ी टर्म है फिर छोटी टर्म है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से देखिए, ये है 9, ये है 8, ये है 2, ये है 1, तो अगर हमें यू मिल रहा है तो टी यू, तो ये 21 होता है दोस्तों, तो जस्ट इसके पहले, जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो अगर ये 21 है तो इसके बाद वाला इससे कम होना चाहिए, जैसे यहाँ 9 है तो ये 8 कम है, ये 2 है तो 1 कम है, तो उसी प्रकार यहाँ टी प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी के साथ जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग गई होगी तो लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ ले सके और उनका कुछ भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है, मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में नंबर सीरीज के साथ ही, नई वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।